सो हेलो भाई लोगो, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी मॉर्निंग। सभी भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। रात भाई सो गया था इधर 2-3 घंटे के लिए होटल पे। अभी मैं हूँ नसीराबाद राजस्थान में। बस अभी अभी उठा हूँ, फ्रेश हो लिया। देख सकते हैं आप, अभी अंधेरा ही है बाहर। अपनी चाय आ गई है गड्डी में ही। बस अब चाय पीते हैं और सुबह का ब्लॉग करते हैं चाय के साथ। शुरू और एंड भी चाय के साथ ही। देख सकते हैं इधर रुका हुआ था मैं। तो भाई लोगों, ये देख सकते हैं आप, अपने होटल से मैं निकल चुका हूँ मेन रोड की तरफ को। भाई लोगों देख सकते हैं आज सूरज भी चढ़ चुका है। सूरज दादा ने दर्शन दे दिए हैं और मैं इस टाइम पहुंच गया हूँ नसीराबाद। और अभी मेरे को लेना है गाड़ी के लिए यूरिया। आप देख सकते हैं मेरा मतलब यूरिया का डंडा, ये जो ब्लू वाले टिक आ रहे हैं ना, दो डंडे है, चार डंडे होते हैं। तो यूरिया हो चुका है खत्म। अभी देखते हैं, इधर भारत बेंज की एजेंसी है यहाँ पर श्रीनगर में, श्रीनगर राजस्थान वाला। अब यहाँ से लूंगा यूरिया और उसके बाद फिल अप करके फिर अपन चलते रहते हैं। ये पहुंच गया हूँ मैं भारत बेंज एजेंसी में। अभी देखते हैं, यहाँ से लेते हैं यूरिया की बाल्टी। ये देख सकते हैं आप, तब तक मैं जाके यूरिया की बाल्टी लाता हूँ। देख सकते हैं आप, यूरिया की बाल्टी ले ली है मैंने। ये अपनी एजेंसी पड़ती है नसीराबाद में, नसीराबाद क्रॉस करके श्रीनगर में। बस अब इधर से निकलते हैं, धूप भी खिलकी है थोड़ी थोड़ी। बाकी देखते हैं, बाकी चाय के लिए रुकूंगा कहीं। बाकी वो शंकर भाई रात चले गया था, बस तब से अब अकेले कर रहा हूँ ड्राइव। देख सकते हैं आप, कोई नहीं बैठा साथ। अब बस अब आगे चाय पीता हूँ, कहीं रुकता हूँ। किशनगढ़ पहुंच के यूरिया भी डालना है गाड़ी में, क्योंकि यूरिया भी कम हो रहा है ना, यूरिया भी डालेंगे फिर। किशनगढ़ क्रॉस कर चुका हूँ मैं, ये आ गया हूँ मैं किशनगढ़ से आगे अपना मेगा हाईवे पे आ चुका हूँ। ये रोड किशनगढ़ से सीधा जाता है गंगानगर के लिए। तो इधर देख सकते हैं आप, धुंध कैसी है पड़ी भी और ठंड भी काफी है। आज कई दिन बाद आया ना इधर को, जैसे हफ्ते 10 दिन से तो मेरे को ठंड लग रही है एकदम गर्मी से है। उधर तो बेंगलोर में गर्मी थी, इधर तो ठंड है। बस अब ये रोड सिंगल मिलेगा मेरे को हिसार तक, हरियाणा तक, ऐसा ही है रास्ता। ये देख लो सवेरे सवेरे का व्यू, टाइम हो रहा है देख सकते हैं आप 8:39। और ऐसे वेदर में तो गाड़ी चलाना भी बड़ा रिस्की होता है, सामने दिखता नहीं कुछ। चलो यहाँ तो फिर अभी दिख रहा है, जैसे सुबह होती, जब रात होती ना, रात में तो दिखता ही कुछ नहीं है। बाकी मेरे जितने भी ड्राइवर भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे ना भाई लोग, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे धुंध में चल रहे ना, अपनी हेडलाइट ऑन रखो और अपने इंडिकेटर चला के रखो, और मेक श्योर अपनी सारी लाइट है गाड़ी की ना ओके रखना, अपने पीछे की इंडिकेटर होगी, ब्रेक बत्ती होगी, ताकि पीछे बंदे को पूरा इशारा मिलता रहे। इधर कुछ ज्यादा ही है धुंध, देख लो पीछे पीछे कम थी, इधर कुछ ज्यादा ही है, गाड़ी भी नहीं दिखती है। अब देखी गाड़ी है, देख लो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, कही कही भाई लाइट जला के चला करो भाई यार, क्योंकि सामने से दिखता नहीं ना है, देख लो कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई लोगों। कम से कम 1.5 घंटा धुंध में ट्रेवल करने के बाद अब देख सकते हैं आप, धुंध हट चुकी है। ये नजारे हैं अपने राजस्थान के, देख सकते हैं आप, धूप खिल गई है बिल्कुल। अभी दिखाऊंगा आपको आगे आगे, बिल्कुल रेतीला इलाका आएगा राजस्थान का। बाकी देख लो ये रोड है। आज सुबह सुबह ही मेरे को भूख लगी, वैसे मेरे को भूख लगती नहीं कभी, आज मेरे को जल्दी जल्दी लगी सुबह सुबह भूख। तो इधर रुका हूँ अभी डिडवाणा के पास आके, सोचा मैं करो रोटी खा लेता हूँ, ये छोटा ढाबा है, खाना बड़ा अच्छा खिलाते हैं, बस खाना खुना खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ रुका मैं अपना डिडवाणा में है टोल, बस टोल से पहले रुका हूँ यहाँ पर आके। अब यहाँ पर खाते हैं खाना, फिर खाना खा के निकलेंगे। तो भाई लोगों, आज कई दिन के बाद ऑर्डर की है कड़ी, कड़ी खाए को बहुत दिन हो गए थे। देख सकते हैं आप, कड़ी के बीच किए हैं चने मिक्स, ये आ गया। आ जाओ आप भी सारे खाना खा लो भाई लोगों, आ जाओ। तो भाई लोगों, खाना खा के हो चुका हूँ खत्म, बस अब चाय आ गई, अब चाय पी रहा हूँ, आ जाओ आप लोग भी चाय पीने। बस चाय पी गए, देख सकते हैं पीछे मैंने रखी है यूरिया की बाल्टी, बस अब यूरिया डालना है गाड़ी में, बस यूरिया यारिया डाल के फिर निकलता हूँ। तो भाई लोगो, होटल से अपना चल पड़ा हूँ, अब निकल गया सफर की तरफ। देख सकते हैं आज मौसम कितना अच्छा हो रहा है,
तेरा सामने टोल टैक्स, ये अपने ढाबे का नाम है जम्मू ढाबा चूरू वाला, जो कोई आते है तो इधर भाई रुक जा करो, खाना बहुत अच्छा खिलाते हैं, बेशक ढाबा छोटा है लेकिन खाना एक नंबर खिलाते हैं भाई ओगले। तो भाई लोगों ये पहुंच चुका हूं मैं अपना डिडवाना, ये राजस्थान में है डिडवाना, ये देख सकते हैं आप, ये सीधा रास्ता चले गया डिडवाना के लिए अंदर सिटी, और हमने मुड़ना है यहाँ से राइट साइड, ये है बाईपास। अभी थोड़ी गर्मी सी होगी दिन में इधर, इसीलिए जैकेट जुकेट खोल ली है बस, अब चल रहा हूँ कंटिन्यू। दिन में तो है थोड़ी गर्मी इधर, रात में तो ठंड है मगर दिन में अच्छी है गर्मी, देख सकते हैं आप। तो भाई लोगों यहाँ रुक गया था, अपनी एक गाड़ी मिल गई थी नालागढ़ की, भाई बेचारा आगे से गाड़ी घुमा के लेके आ रहा है वापिस, वो देख पा रहे होंगे वो गाड़ी, वो सीधा जा रहा था मगर भाई वापिस लेके आ गया गाड़ी को। चलो बाकी भाई से मिलवाते हैं आपको, ये देख सकते हैं ये आ गया भाई अपना स्पेशल मिलने के लिए, लेके आया गाड़ी वापस। भाई आए स्पेशल अपने से मिलने। और भाई कैसे हो? आ जाओ यार। कैसे हो आप? एक तो बड़े दिन बाद मिले, मुझको को ताव दे रहे यार, घर में था और मैं भी था जी, आज आया हूँ 10-12 दिन बाद। तो भाई निकल गया है वापिस, वो जा रहा है अहमदाबाद की तरफ और मैं आ रहा हूँ अपना पंजाब। भाई भी स्पेशली गाड़ी घुमा के लेके आया वापिस, बस भाई से मिल मुल के बस अब निकल गया हूँ। तो ये देख लो बाकी ये डिडवाना है भाई साहब। डिडवाना पार करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ लांडनू में, बाकी ब्रेकर का तो आपको पता ही है, कल भी बताया था कि आसियन ब्रेकरों का। ये देख लो भाई कितनी कैंट बनाई है भाई पेंटिंग, वाह मान गए। बस मुझे यहाँ से जाना है अब राइट साइड सलासर की तरफ। सलासर आपने सुना ही होगा, बालाजी का सलासर धाम बहुत फेमस है, और ये लेफ्ट रास्ता जाता है यहाँ से नागौर होते हुए जोधपुर। बस यहाँ से मैं राइट हो चुका हूँ ये अपना सलासर की तरफ के लिए। देख लो रश तो है ही है यहाँ दिन में भी, बाकी यहाँ से चंडीगढ़ है 500 किलोमीटर के लगभग है, देख लो चंडीगढ़। कि अपने ड्राइवर भाइयों सभी को आपको पता ही होगा अभी लांडनू रस्से त्रिपाल के लिए फेमस है, जितने भी दुकानें हैं ना इधर इधर रस्से और त्रिपाल मिलते हैं, इधर देख सकते हैं जितने भी दुकानें हैं। और भाई देख ले पीछे भी। भाई लोगों मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर कभी घूमने आना हो ना तो सलासर जरूर आओ, ये सलासर का मेन रास्ता, यहाँ मंदिर है बालाजी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, देख सकते हैं आप इधर से जाता है रास्ता। सलासर पार करने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ फतेहपुर में, देख सकते हैं आप यहाँ से बीकानेर फतेहपुर जयपुर, इधर से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो सीधा बीकानेर जाएगा, राइट जाओगे तो सीकर से जयपुर निकल जाएगा रास्ता, और सीधा अपना आप हिसार के लिए जाएगा। ये गया नीचे वाला रास्ता बीकानेर, देख सकते हैं आप, बाकी ये रहा फतेहपुर। बाकी अगर किसी भाई को गाड़ी के पार्ट लेने वो भी यहाँ मिल जाते, इधर कबाड़ी वाले भी बहुत है, जैसे टंकी टुंकी लेनी हो कुछ ही दे सकते हैं आप, यहाँ कबाड़ी मार्केट भी है। भाई लोगों इधर का व्यू चेक करो, इधर देखो ये सारा रेतीला एरिया है, और ये देख लो ट्रैक्टर कैसे आ रहा है लोड करके, ये देख लो कितना भरा हुआ भाई ने। बाकी इधर का एरिया देख लो आप कैसा मस्त है, इधर को सारा रेत ही रेत है ऊपर को पड़ा हुआ, ये देख लो गाइस इधर ये सारा रेत ही रेत है, रोड के साइड जितना भी पड़ा हुआ है ना घास तो बहुत कम ही है, इधर देख लो ये रेत है इधर को सारी, ये है राजस्थान, ये देख लो भाई लोगो। बाकी ओ आ रहा है एक घोड़ा गाड़ी बैल गाड़ी, सुनी होगी आपने, लो ऊंट गाड़ी भी देख लो, ये सामने आ रही है ये ऊंट गाड़ी है, ये लो। फतेहपुर पार करने के बाद अब पहुंच चुका हूं मैं, देख लो राजगढ़, ये राजस्थान में ही पड़ता है राजगढ़, मतलब ये लास्ट शहर है मतलब अब राजस्थान का, इसके बाद आगे से हरियाणा हो जाएगा शुरू,
बस ये सिंगर रोड भी वहीं तक ही है। एक तो इस रोड पे ट्रैफिक इतनी है ना, पूछो मत। बस यहाँ से चल गया, देख लो अंदर हिसार सीधा राजगढ़ राइट साइड अंदर सिटी के लिए। हमने जाना है बार बार से बाईपास से। राजस्थान हो चुका है खत्म, अब मैं हरियाणा में एंटर करने वाला हूँ। अभी मैं पहुंच चुका हूँ झुंपा कलां, शिवानी में हरियाणा का बॉर्डर है। ये देख सकते हैं आप हिसार झुंपा, ये झुंपा का बॉर्डर है। ये देख सकते हैं आप सामने पुलिस वालों के बैरिकेटिंग लगी है और रोड भी अब डबल हो गया है। अब यहाँ से 4 लाइन ही रास्ता है अब सारा। ये देख सकते हैं आप, ये लगे है पुलिस की बैरिकेटिंग। बस इसके बाद अब मेरे को सारा ही 4 लाइन ही रास्ता मिलेगा। ये आगे अपने हरियाणा का पहला टोल शिवानी पार करके, अब देखते हैं यहाँ एक चाय वाला मिल जाए, बस फिर चाय पीते। हो चुका है पार, आई थिंक ये है चाय वाला। ये है, इधर रुकता हूँ जरा, इधर चाय चुए पीता हूँ फिर चलूंगा। भाई लोगों इधर रुक गया था टोल टैक्स पे चाय पीने के लिए, देख सकते हैं आप। ये तो रश बहुत है, बस ये रहा अपना चाय वाला भाई। अब चाय वाले भाई के पास जा रहा हूँ, वो रही मेरी गाड़ी। ये देख सकते हैं आप 360 व्यू गाड़ी का, और मेरे पीछे है चाय वाले भाई। वहाँ चलता हूँ चाय लेके आता हूँ भाई, ठंड तो ठंड भी बहुत है बाहर, गाड़ी में मिलता हूँ आपसे। सोए रहे अपने चाय वाले भाई, इनसे चाय बनवाते जरा। बढ़िया जी, चाय देना भी है, एक चाय और एक पेटीज दे दो। लड्डू कितने के हैं? लड्डू को दे के मन कर गया खाने का, और पेटीज चाय पेटीज लेते हैं पूरी गाड़ी। तो भाई लोगों बाहर तो ठंड थी बहुत, इसीलिए चाय को अंदर ही ले आए थे। आज अभी लड्डू खा लो, चाय पी लो और पेटीज खा लो, ठंड बहुत है ना इधर। बाहर देख सकते हैं आप हरियाणा का क्लाइमेट कितना ठंडा है, अभी धुंध धुंध सी हल्की हल्की सी। चलो पीते हैं फिर चाय। तो भाई लोगों चाय पी के निकल गया था। आज देखो ये जाता है हिसार के लिए रास्ता, यहाँ से ब्रिज के नीचे से राइट हो जाएंगे तो जाएंगे हिसार। बाकी हमने तो आपको पता ही है अभी बाईपास से जाना है बारो बार। मौसम बिल्कुल ही ठंडा है इधर को, बिल्कुल ठंड लग रही है चलती गाड़ी में भी। उधर तो है नहीं थी अपने साउथ में, इधर को है अभी अभी ठंड। अभी थोड़ी देर में देखना धुंध पड़ जाएगी। ये जो गाड़ी जा रही है ना सामने, यहाँ से राइट जो रास्ता जा रहा है ये सिटी में जा रहा है। हिसार क्रॉस कर चुका हूँ मैं, बस अब नरवाना आने वाला है आगे। देख सकते हैं अब शाम का टाइम हो गया है, हल्की हल्की आगे धुंध भी दिखने लगी है मेरे को। मुझे लगता है मैं क्या आज पूरी धुंध पड़ेगी रात को। मैं जितना हो सकता दिन में पूरी आज गाड़ी खींची, कंटिन्यू चला रहा, सिर्फ एक या दो ब्रेक लिए होंगे पूरे दिन भर में, बाकी मैं कंटिन्यू ही चलाऊं। क्योंकि रात को ऐसा ना अगर धुंध पड़गी ना फिर दिखता नहीं है, कम दिखता है। और फिर मैंने जाना भी उधर को है संगरूर को, वो रास्ता है भी सिंगल है, उधर धुंध भी ज्यादा पड़ती है। इस करके सोच रहा हूँ टाइम से निकल जाऊंगा, बस अभी एक बार देखता हूँ फिर रुकता हूँ आगे धूप बत्ती करके, फिर चलते अपना सफर करते है कंटिन्यू। देख सकते है भाई लोग आप, मैं बरवाड़ा पहुंच चुका हूँ अपना हरियाणा वाला बरवाड़ा। हरियाणा में भी दो बरवाड़ा है, एक पंचकूला में है और एक ये हिसार के पास पड़ता है। मैं बरवाड़ा पहुंच गया हूँ, बस इसके बाद मेरा स्टेशन आएगा नरवाना। नरवाना से फिर मैं घूम जाऊंगा अपना पतना की तरफ, फिर वहां से मेरे को पंजाब लग जाएगा। तब तक देखता हूँ आगे, अभी रुकता हूँ, धूप बत्ती करनी है, अंधेरा भी पड़ने लग गया है। देख सकते हैं आप, मेरे को लगता है शायद धुंध भी पड़ेगी अब थोड़ी देर के बाद। तो भाई लोगो अंधेरा पड़ चुका है, देख सकते हैं आप। अभी मैं पहुंच गया हूँ सूर्यवाला चौक, ये सीधा रास्ता जाता है अपना टोहाना से मुड़ के लिए, और यहाँ से मैंने मुड़ना है राइट साइड। जा तो मैं सीधा भी सकता ना, मगर ये रास्ता पूरा सिंगल है, खड्डे ही खड्डे है, इसीलिए मैं घूम के जाऊंगा बाया नरवाना होते हुए। बाकी ये देख सकते हैं आप, शीशे भी गंदे हो रहे हैं। अब आगे चौक से आगे कहीं रुकता हूँ, फिर वहाँ शीशे चूशे करेंगे साफ, चाय वाय पी के फिर निकलेंगे आगे के सफर। भाई लोगों पहुंच गया हूँ नरवाना टोल टैक्स पे। तो तब से काफी देर से सोच रहा था चाय वाला मिलता, चाय वाला मिला ही नहीं। बस अब देखता हूँ यहाँ मिल जाएगा आगे चाय वाला, बस पहले फास्ट टैग अपना चल जाए, बस यहाँ फटाफट इधर से निकल जाऊ। देखो शुक्र है इधर से तो निकल गया। अब देखता हूँ यहाँ आगे चाय वाला होगा, चाय वाले के पास रुकता हूँ फिर शीशे शूशे करता हूँ साफ। तो भाई लोगो इधर रुक गया हूँ यहाँ टोल के पास, अभी करते हैं टायर वायर चेक और मारते हैं गाड़ी को कपड़ा। नहीं देख सकते आप, टायर तो सारे ओके है। लो जी अपने शीशे हो चुके हैं साफ,
अब जाके चाय वाय लाता हूँ, चाय लाके फिर गाड़ी में बैठता हूँ। अब ये शीशा रह रहा है एक साफ करने को, इसको भी कर लेता हूँ साफ। एक बार बताना जरा पीछे इंडिकेटर कैसे लग रहे हैं, पीछे इंडिकेटर धुंध के लिए लगाए स्पेशल, बताना कैसे लग रहे हैं। तब तक जाके मैं चाय लाता हूँ भाई, अपना चाय वाला चाय ले लेता हूँ इधर से। तो भाई लोगों गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, चाय लेके आ गया हूँ, चाय साथ में लड्डू और धूप अगरबत्ती कर ली है, और बस अब अंधेरा पूरा पड़ चुका, शीशे शूशे सब ए टू जेड हो गए हैं साफ है, देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अब आज का ब्लॉग करने जा रहा हूँ यही एंड। अब सुबह से मैं भी चल रहा कंटिन्यू, थक गया था। अभी देखता हूँ, अभी यहाँ से एक तो धुंध पड़ रही है आगे के लिए, अब आगे का जो सफर है वो मैं कल वाले पार्ट में बताऊंगा आपको, पार्ट 3 में। इस ब्लॉग को कर रहा हूँ यही एंड। बाकी कमेंट करके जरूर बता देना आज का ब्लॉग कैसा लगा हो, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। बाकी जिन भाइयों ने अभी भी मेरा चैनल भाई सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, 1K करवा लो अपने भाई के जल्दी। बाकी मिलते हैं गाइस फिर कल नई वीडियो में, अभी वीडियो एडिट भी करनी है फिर अपलोडिंग पे भी लगानी है। बाकी मिलते हैं फिर कल नई वीडियो में। बाकी अभी मैं हरियाणा में हूँ, नरवाणा में पहुंच चुका हूँ, बाकी जो इसके आगे का सफर है वो आप दूसरी वीडियो में देखना। तब तक के लिए गुड बाय, सारे भाई अपना ध्यान रखना, प्यारी सी सब भाइयों को बाय बाय।